हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग गैसियस मॉलिक्यूल के लिए रूट मीन स्क्वायर स्पीड के फॉर्मूले को समझेंगे। हम लोग देखेंगे कि गैसियस मॉलिक्यूल्स के पास में जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है उसकी वैल्यू कैसे क्या होती है, क्या क्या रिलेशंस होते हैं। हम सभी को पता है बाय द आइडियल गैस इक्वेशन प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैसियस मॉलिक्यूल इज गिवन बाय 1/3 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द गैस इनटू मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस। सो फ्रॉम हियर मीन स्क्वायर स्पीड इक्वल्स 3 PV/mn। सो रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज द रूट ऑफ द मीन स्क्वायर स्पीड, दैट इज द रूट ऑफ द 3 PV/mn। हियर m इज द मास ऑफ द वन मॉलिक्यूल एंड n इज द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द गिवन गैस। सो वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ mn टोटल मास ऑफ द गैस। रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट 3 PV/M, दैट इज द मास ऑफ द गैस। P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, M इज द मास। फर्दर एज यू नो मास अपॉन वॉल्यूम इज द डेंसिटी ऑफ द गैस, सो वी ऑल्सो कैन राइट रूट मीन स्क्वायर स्पीड इक्वल्स अंडर रूट 3 times ऑफ द प्रेशर अपॉन द डेंसिटी ऑफ द गैस। क्लियर? एंड देर इज अनदर वन रिलेशन इन टर्म ऑफ द गैस कॉन्स्टेंट एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बाय द आइडियल गैस इक्वेशन एज वी नो PV equals mu RT, mu is the number of moles, that is the mass of the gas upon molecular weight of the gas into RT. So from here we can get PV/m equals RT by molecular weight. So क्या करें, PV/m को बेटा replace कर दो, RT/m यहाँ ले जाकर रख दो, तो आपको एक नया formula मिल जाता है, root mean square speed of the gas equals under root 3 RT by molecular weight. And here, from here, it is clear that the root mean square speed of the gaseous molecule is directly proportional to the square root of the absolute temperature of the gas. So, if you increase the temperature, what will happen? Root mean square speed will also increase. Thank you.